पहले डिफिनेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए बैच वाले को भी हम लोग मैसेज किए हुए थे जो स्टार्टिंग क्लास नहीं किए, तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे ताकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी हो। स्टार्टिंग डिफिनेशन जो जनरली इस्तेमाल होता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक बिजली पर चलने वाला उपकरण है जो निर्देशों के आधार पर गणना का कार्य करता है। ये परिभाषा इस तरह से हम लोग लिखे हैं कि हम लोग यहाँ समझ पाए कि आखिर आगे का पढ़ाई हम लोगों को करना कैसे है। सबसे पहले हम लोग जब किसी परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सेगमेंटेशन करेंगे, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो पहला लाइन इसका आ रहा है कंप्यूटर बिजली से चलने वाला उपकरण है, और थोड़ा इस पर एनालिसिस करते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण यानी करंट से चल रहा है, तो करंट से टीवी भी चलता है, पंखा भी चलता है, तो फ्रिज भी चलता है, तो क्या ये सभी कंप्यूटर है? नहीं, ये सभी कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब अभी परिभाषा मेरा पूरा नहीं हुआ है। फिर बिजली से चलने वाला उपकरण है का मतलब क्या हो जा रहा है? तो हम लोग कॉमन चीज फाइंड करते हैं कि जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उन सब में कॉमन चीज क्या है, वो सारे के सारे कॉमनली क्या करते हैं। तो सारे के सारे उपकरण चाहे तो ऑन होते हैं चाहे वो ऑफ होते हैं। तो हम लोगों का पहला लाइन से ये लाइन आ रहा है कि कंप्यूटर ऑन ऑफ के थ्योरी पे काम करता है। कैसे काम करता है? तो जो निर्देशों के आधार पर गणना का कार्य करता है, जो निर्देश के आधार पर यानी कि जो इंस्ट्रक्शन पहले से दिया गया है उसके आधार पे गणना यानी कि कैलकुलेशन का कार्य करता है। निर्देश को अगर हम लोग समझे तो हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोगों को कोई बतलाया हम लोगों के घर में परिवार में या टीचर या फिर मोहल्ले में, या हम लोग सुने कि कलम उठाना किसको कहते हैं, तो हम लोग निर्देशित हो गए, अच्छा कलम किसको कहते हैं, उठाना किसको कहते हैं। अब इसके आधार पे ही हम लोग कोई काम करते हैं। अगर हमारे सर बोले कि जरा कलम उठा के देना तो हमको समझ में आता है कि अच्छा ये कलम ही मांगा जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। इसका मतलब हम लोग मनुष्य भी जो है वो निर्देश के आधार पे ही काम करता है, मगर हम लोग चूंकि मनुष्य हैं और थोड़ा कंप्यूटर से अपग्रेड है, थोड़ा कुछ अच्छाई भी है हमारा, थोड़ा कुछ कमजोरी भी है। हम लोग अपने मन से भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे चेहरे पे कोई पत्थर फेंक रहा है हम आंख बंद कर ले रहे हैं, नहीं तो ये स्वतः रिएक्शन है, इसके लिए हमको कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग इंटेलिजेंट है, मनुष्य इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर ऐसा काम स्वतः नहीं कर सकता। मगर आज के समय का बात करें, अगर आधुनिक समय का बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से कंप्यूटर का भी निर्माण इस प्रकार हो रहा है कि लगे कि उसके अंदर में कुछ इंटेलिजेंसी का काम वो कर रहा है जैसा मनुष्य कर सकता है। इसी तरह हम लोग सेगमेंट करके टुकड़े टुकड़े करके आगे के परिभाषा को भी हम लोग देख सकते हैं। पहले के परिभाषा से क्लियर है हमारे पास कि कंप्यूटर ऑन ऑफ पे काम करता है। कंप्यूटर के दुनिया में ऑन को रिप्रेजेंट किया जाता है वन से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो से। इस ऑन ऑफ को बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ बाइनरी का बी ले ले और डिजिट का लास्ट का दो अक्षर आईटी ले ले तो इसी 10 को बिट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस स्क्रीन का तो स्क्रीनशॉट लेके फोन में सेव कर सकते हैं। दूसरे स्क्रीन की तरफ चले हम लोग, इस टॉपिक को अभी हम लोग छोड़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं। स्टोरेज यूनिट, कंप्यूटर में जब हम किसी फाइल को रखते हैं या किसी फोटो को रखते हैं या फिर टेक्स्ट या इमेजेस किसी भी चीज को अगर हम रख रहे हैं तो वो एक सर्टेन जगह लेता है, वो स्टोरेज में सर्टेन अपना एक स्थान घेरता है, उसी को हम लोग जानेंगे अभी कि स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से यूनिट होते हैं। अभी जैसे हम लोग चर्चा किए 01, 01 को एक बिट या बाइनरी डिजिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर एक बार 01 लिखा गया है तो हम लोग इसको 1 बिट के नाम से जानते हैं, दो बार तो 2 बिट, 3 बार 3 बिट, इसी तरह से अगर हम लोग 8 बार अगर हम लोग बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रुप में तो वो हमारा 1 बाइट कहलाता है।
इसी एक बाइट को हम लोग एक कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैरेक्टर क्या हो गया, ये कैरेक्टर क्या है हमारा, तो कीबोर्ड में मौजूद किसी भी एक बटन को एक कैरेक्टर कहते हैं, जो कुल एक बाइट या 8 बिट का जगह कंप्यूटर में लेता है। यानी कीबोर्ड में मौजूद कोई सा भी बटन, जो बटन आपको नजर आ रहा है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ए है, बी है, सी है, 3, 4, 5, यहाँ तक के स्पेस बार, ये भी जगह लेता है, एंटर यह भी जगह लेता है। तो कोई सा भी जो एक कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड में है, वो हमारे कंप्यूटर में, अगर बाइट का चर्चा करें तो एक बाइट का जगह लेता है, और अगर बिट का चर्चा करें तो 8 बिट का जगह लेता है। अगर हम देखें आर, केवल आर है लिखा हुआ, और हमसे कोई पूछ रहा है कि ये कितने कैरेक्टर का है, तो निश्चित बात है ये एक कैरेक्टर का है। अब एक कैरेक्टर का है तो ये बाइट कितने का हुआ, तो ये एक बाइट का है। एक बाइट का है ये तो कितने बिट का हुआ, तो ये हमारा 8 बिट का हो गया। इसी तरह से हम देखें कि रैम है, ये कितने कैरेक्टर का है, 3 कैरेक्टर का है। अगर बाइट में पूछा जाए तो उतना ही 3 बाइट का है, और अगर बिट में पूछा जाए तो 8 × 3 यानी कि 24 बिट का है। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए संविधा कितने कैरेक्टर का है, तो 3×3 = 6, 7, 7 कैरेक्टर का है। तो बाइट भी ये 7 हो गया, और बिट ये 8×7 = 56 बिट के करीब में हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। आप इसको फिर से एक बार बढ़िया तरीके से हम लोग शुरू से इसको देखते हैं। जीरो वन को एक बिट बोला गया, जिसको हम लोग पूरा नाम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। अगर एक बार 01 का इस्तेमाल किया जा रहा है एक, तो ये हमारा एक बिट कहलाया, दो बार में 2 बिट, बार में 3 बिट, अगर यही 8 बिट अगर हमारा एक साथ में है तो ये हमारा 1 बाइट कहलाता है, और 1 बाइट बराबर हमारा एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या है, तो कीबोर्ड में मौजूद किसी भी एक बटन को एक कैरेक्टर कहते हैं, जो कुल एक बाइट या 8 बिट का जगह लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक केवल आर है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, तो यह हमारा एक कैरेक्टर है, यह हमारा एक बाइट का जगह लेता है, यानी कि कुल 8 बिट का जगह लिया। आर ए एम है, यानी 3 कैरेक्टर है, 3 बाइट है, तो 8×3 = 24 बिट का जगह लिया। संविधा एस एम आई डी एच है, 7 कैरेक्टर है, यानी कि 7 बाइट है, तो 8×7 = 56 बिट का जगह लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर में जब एक बार 01 हम लोग लिखे थे तो 1 बिट कहलाया, और 8 बिट बराबर हम लोग अभी जाने जस्ट कि एक बाइट होता है। इसी तरह से एक बाइट यानी एक अक्षर, एक आर, एक बाइट हुआ। अब जरा अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग लिखे राम कुमार और मोहन कुमार दोनों एक साथ खाना खाने के लिए हॉस्टल के रूम में गए, अगर इस तरह करके अगर हम पूरा एक वाक्य या एक पैराग्राफ देखे, जो पैराग्राफ होगा मेरा अगर 1024 बाइट का यानी 1024 अक्षर का हुआ, तो उसको हम लोग 1 किलोबाइट के नाम से जानते हैं। किलोबाइट को शॉर्ट में केबी कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को कि 8 बिट बराबर 1 बाइट है, और अगर यानी एक अक्षर, अगर कोई एक ऐसा लेटर लिखा गया है, एक ऐसा चिट्ठी लिखा गया है जिसमें 1024 अक्षर पूरा हो जा रहा है, ना 1023 ना 1025, हम 1024 का बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे कि जब 1024 अक्षर हमारा पूरा हो जा रहा है, तो हम लोग वहां पे 1024 बाइट के बदले वहां पे हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे कि 1 KB का मेरा वो लेटर है, 1 KB का मेरा वो चिट्ठी बन गया है, या 1 KB का वो मेरा फोटो है। अब इसी तरह से 1024 × 1024 बाइट अगर हम लोग करते, तो उसको हम लोग कहते कि 1 KB है। तो अब 1024 × 1024 बाइट बराबर 1 MB, यानी हम लोग उसको एक बार में यहाँ कह सकते थे कि 1024 KB बराबर मेरा 1 MB। अब अगर यहीं पे अगर पूछा जाता कि 1 MB बराबर कितना बाइट, तो क्या करते, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे।
इसी तरह से 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट जिसको शॉर्ट में जीबी कहते हैं, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट जिसको टीबी कहते हैं, 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट शॉर्ट में पीबी, 1024 पीबी बराबर 1 एक्साबाइट जिसको ईबी कहते हैं, 1024 ईबी बराबर 1 जेटाबाइट शॉर्ट में जेडबी कहते हैं, 1024 जेडबी बराबर 1 योटाबाइट जिसको वाईबी कहते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे वाईबी तक के बारे में अभी जान रहे हैं, मगर अगर इस सीरीज को हम लोग देखें तो हम लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर खोलिए, उसके बाद योटाबाइट के बाद देखिए तो आपको लंबा पूरा लिस्ट मिलेगा। आप लोग उसको खुद से खोल करके गूगल कीजिए या गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर 2 GB का मेरा पेन ड्राइव है उसमें हम 5 MB का कितना फोटो रख सकते हैं, या फिर 10 MB के करीब का कितना गाना रखा जा सकता है। तो अभी हम लोग उसके कैलकुलेशन को जानेंगे, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको नोट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 4 MB बराबर कितना बाइट, कि 4 MB में कितने बाइट, कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि 4 MB का मान लेते हैं पेन ड्राइव है एकमात्र 4 MB का, उसमें कितने अक्षर का चिट्ठी लिख करके हम लोग सेव करके रख सकते हैं। अगर अभी हम लोग ये लिस्ट बनाए थे ना, बिट बाइट, बाइट से बड़ा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी। अब हमको यहाँ पे जो पूछ रहा है, पहले तो इस लिस्ट में देखते हैं, अगर हमको जीबी से एमबी में खाता बदलने के लिए जीबी दिया होता और एमबी मांग रहा होता, हम लोग 1024 से गुना करते, और या एमबी दिया हुआ होता जीबी केबी मांग रहा होता तो 1024 से गुना करते। जीबी दिया हुआ रहता और केबी मांग रहा होता तो 1024 गुना 1024 यानी 2 बार 1024 से गुना करते। इसी तरह से जीबी दिया हुआ रहता और बाइट खाता निकालने तो हम लोग 3 बार 1024 से गुना करते, और अगर फिर बिट पूछा जाता तो हम लोग गुना 8 करते। ये लिस्ट अभी हम लोग जस्ट समझे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, तो एमबी से पूछ रहा है कहाँ जाने के लिए, तो बाइट। तो एमबी से केबी में पहले जाएंगे तो 1024 से गुना, केबी से बाइट में जाना है तो फिर 1024 से गुना। यानी अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 1024 गुना 1024 गुना 4 MB, चूंकि 4 दिया हुआ था तो यही जितना हमारा कैलकुलेशन करके निकलेगा उतना बाइट हम अक्षर अपने उस 4 MB में लिख करके रख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अब पूछ रहा है, अभी पहले पूछा था क्या, पहले अभी देखे, एक सेकंड, सॉरी। पहले अभी हम लोग देखे थे कि 4 MB से बाइट में बदलना था, और इस बार हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि 4 MB से बिट में बदलना है। अभी हम लोग पहले देखे कि जीबी से एमबी होता तो 1024, फिर एमबी से केबी होता गुना 1024, केबी से बाइट होता गुना 1024, बाइट से बिट होता तो गुना 8, मगर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एमबी से बिट में जाने के लिए, यानी एमबी से केबी में के लिए तो 1024 से गुना होगा, केबी से बाइट में फिर जाने के लिए भी 1024 से गुना होगा, मगर बाइट से बिट में जाने के लिए गुना 8 करना होगा, क्योंकि बिट में आंसर मांग रहा है, एमबी से बिट में बदलना है। अगर कैरेक्टर या बाइट पूछता तब गुना 8 नहीं करते, मगर बिट पूछ रहा है तो लास्ट में गुना 8 भी करना होगा। तो 4 MB यानी अब यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1024 गुना 1024 गुना 8, 8 क्यों, क्योंकि बिट में निकालना है, और गुना 4 क्यों, क्योंकि 4 दिया हुआ है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है,
कि 16 GB, इस बार जीबी में दे रहा है, बोल रहा है बाइट में निकालने, तो बहुत आसान है। अभी आप एमबी से जैसे निकाले हैं बाइट में, उसी तरह से जीबी में बाइट में निकालेंगे। जीबी से बाइट निकालना है, जीबी से बाइट निकालना है, यानी एक बार 1024 गुना, फिर दो बार 1024 गुना, फिर तीन बार 1024 गुना, यानी कि 1024 गुना 1024 गुना 1024। और चूंकि 16 दिया हुआ है, इसको और आप शॉर्ट में कर सकते थे, तो 1024 पे क्यू गुना 16, यही हमारा आंसर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको दे रहा है बिट से जीबी में निकालने। अब हम लोग उल्टा करेंगे कि बिट दिया हुआ है और जीबी निकालना है, बिट दिया हुआ है और जीबी तक में जाना है, तो बिट से बाइट के लिए पहले हमको 8 से भाग देना होगा, बाइट से केबी के लिए 1024 से भाग देना होगा, केबी से एमबी, फिर 1024 से एमबी से जीबी, फिर 1024 से हमको भाग देना होगा। तो अब यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि जो भी हमारा बिट में दिया हुआ उसको पहले भाग दिए हम 8 से, उसका जो रिजल्ट है उसको 1024 से, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको 1024 से, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको 1024 से, उतना जीबी डेटा हम अपने स्टोरेज में डाल करके रख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल, जो पहले के स्टूडेंट होंगे उनके पास में ये स्क्रीनशॉट होगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो इस स्क्रीनशॉट को अपने पास में रख ले। अभी जो ग्रुप बना हुए हैं एसजी लाइव वाई और एसजी लाइव गर्ल, इस दोनों ग्रुप में जो भी ऐड नहीं हुए हैं वो अभी ऐड हो जाइएगा उस ग्रुप में। अभी अगले 15 दिन तक किस किस चीज का क्लास किस दिन चलने वाला है, उसका पूरा रूटीन डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक, उस वहां पे उसका एक इमेज डाल दिया जाएगा, आप उस हिसाब से रेडी होकर के रह सकते हैं। अगर अब आप में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्लास को अभी लास्ट कर देंगे। अगर किन्हीं का क्वेश्चन है तो आप म्यूट अनम्यूट कीजिए, अपने वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं 3 बजे। CLS का क्लास, CSS का क्लास आप लोगों का 3 बजे से चलेगा, और अगर कोई छात्र जो अकाउंटिंग के हैं उनका क्लास कल से शुरू होने के लिए जा रहा है, जिससे संबंधित हम मैसेज ग्रुप में कर देंगे। चलिए, आप सभी का क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।